સેલવાસમાં રાંધા ખાતે પ્રાથમિક ગુજરાતી કેન્દ્ર શાળામાં સરપંચ ઝીણા ચૌધરી દ્વારા તિથિ ભોજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આશરે 400 જેટલા બાળકોએ સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો લાભ લીધો હતો. આ તકે જિલ્લા પંચાયત અધ્યક્ષ સરપંચ સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમજ શિક્ષા અધિકારીએ રાંધા પંચાયતની બધી જ સ્કૂલોમાં તિથિ ભોજનનું આયોજન કરવાનો અનુરોધ કર્યો હતો. जैसे कि हमारा प्रवेश महोत्सव हुआ था दपाड़ा में, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर सर आए थे और उसने बोला था कि हमारा एक मकसद है, हमारी एक सोच है, हमारा एक विचार है कि यहाँ स्कूल में तिथि भोजन हो जाए. तो उनका आदेश का पालन इन सभी ने हम कर रहे हैं. तो मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे प्रशासक महोदय जी और आज के ये प्रसंग में हमारे सरपंच ने तिथि भोजन का आयोजन किया है और इसके साथ हमारे ए ऑफिसर्स, ये सभी हेडमास्टर्स, हमारे सारे टीचर्स और सभी मेंबर्स मिलकर ये प्रोग्राम सक्सेस किया. और यहाँ शायद 450 स्टूडेंट थे, उसमें से शायद आज 400 है, ऐसा मुझे मैसेज मिला है. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विथ टीम वर्क. हम टीम के साथ काम करें तो कोई भी काम सक्सेस कर सकते हैं. यह तिथि भोजन का आयोजन होता है और जिला पंचायत से हमारे जो मीटिंग हुआ था उसमें प्रेसिडेंट साहब ने सबको आदेश दिया था कि हर एक पंचायत में ये तिथि भोजन होना जरूरी है या बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार मिले.